कृषि निदेशक निशा औराव आज खुटी दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां किसानों ने पारंपरिक रीति रिवाज से उनका भव्य स्वागत किया। बताते चले कि निशा औराव का यह दौरा खुटी जिले के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को विशेष ध्यान में रखते हुए था। साथ ही ये भी बता दें कि इस बार राज्य में कम वर्षा होने के कारण धान का रोपनी लगभग नहीं के बराबर हुई है, जिसके चलते सुखाड़ घोषित करने की स्थिति हो गई है। इसी क्रम में आज कृषि निदेशक निशा औराव खुटी दौरे पर पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने किसानों से मिलकर उनका हालचाल जाना और खेत में जाकर स्थिति का जायजा लिया कि धान का रोपाई किस प्रकार से हुआ है या नहीं हुआ है। निशा औराव ने खुटी जिले के अलग अलग क्षेत्रों का दौरा किया। इसी क्रम में आज उन्होंने अड़की, खुटी, तोरपा, कर्रा सहित जिले के अलग अलग प्रखंड क्षेत्रों का दौरा किया, जहां किसानों से मिलजुल कर उनकी समस्या को जाना। इस दौरान महिला और पुरुष किसानों ने निशा औराव से अपनी मांगे रखी। किसानों की कई प्रकार की मांगे थी, जिसमें जिले को सुखाड़ घोषित करने का भी एक मुख्य मांग था। फिलहाल अब देखना है कि खुटी जिले को सुखाड़ घोषित किया जाता है या नहीं। निशा औराव के खुटी दौरे के इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से जिला कृषि पदाधिकारी एवं उनके सहायक मयंक कुमार के अलावे अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। तो खुटी जिले की खबरों के लिए जुड़े रहिए झारखंड टुडे के साथ और देखते रहिए खुटी जिले की खबरें। मैडम पत्ता स्पेशली आया रनिया से। जितेंद्र